हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास फर्स्ट की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट है हमारा नंबर्स अप टू 10। ये चैप्टर का नाम था बच्चे। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। तो उसी क्लास को बच्चे आज हम आगे बढ़ाएंगे, ओके। तो बच्चे चलो अपनी बुक आप ओपन कर लेंगे और हमारे साथ साथ जो मैं लिखवाऊँगा वो आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, जीरो डॉट्स। मैंने बताया था जीरो क्या होता है, जब कुछ भी नहीं हो, नथिंग हो, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई डॉट नहीं है, तो यहाँ पे जीरो। यहाँ पे वन डॉट है तो वन, यहाँ टू डॉट है तो टू, थ्री डॉट थ्री, फोर डॉट फोर। ये हमने काउंटिंग कर ली थी नाइन तक। हमने अभी तक पढ़ रखा है कि नाइन क्या होता है, वन टू नाइन, फिर जीरो टू नाइन हमने नंबर्स को सीख लिया था। अब हमें बच्चा आज पढ़ना है टेन के बारे में, कि टेन क्या होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग काउंटिंग करेंगे, चलो देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो बच्चों, हम आप फिंगर्स को काउंट करेंगे, ठीक है, फिंगर्स को काउंटिंग से शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो, जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि केवल नाइन तक नंबर्स होते हैं, नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा आएगा, वो होगा टेन। कैसे होगा बताओ बच्चों। अभी मैंने कितनी उंगलियां ओपन कर रखी हैं, कितने फिंगर्स ओपन हैं, तो आप कहेंगे सर जीरो, कोई फिंगर हमारी ओपन नहीं है, तो आप कहेंगे सर जीरो फिंगर ओपन है। मैं कहूँगा अच्छा बताओ ये कितना फिंगर ओपन हुआ, तो आप कहेंगे सर वन टू थ्री फोर, ये फोर देखो, ये फाइव, ठीक है, सिक्स सेवन एट नाइन, और ये लास्ट वाली जो फिंगर होगी बच्चों वो टेन बना देगी। बात समझ आ गई, एक बार फिर से करते हैं। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, फाइव फिंगर्स इधर है, सिक्स सेवन एट नाइन, और ये बच्चों जो लास्ट वाली उंगली है ये टेन बनाएगी, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आपने केवल नाइन के बारे में पढ़ा था, अब हमें टेन के बारे में जानना होगा, टेन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे इस बात का कि जैसे देखो, जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा बच्चों ये वन और ये जीरो, ये वन और ये जीरो, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बच्चों क्या, टेन। इन्हें क्या बोलते हैं, टेन, टी ई एन, ठीक है बच्चों, ये बोलेंगे हम टेन। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, कि हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ये होगा टेन। बात समझ आ गई, अब इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन बुक में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, आप देखेंगे ये इसमें लिखा हुआ है, कैन यू ट्राई, क्या आप बना सकते हैं, ठीक है, टेन कैसे बनता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन, इसको आप पेंसिल से मिला देंगे वन, और ये बनाएंगे जीरो, क्या हो गया ये टेन, ये वन फिर ये जीरो, क्या हो गया टेन, फिर आप इसको लिख लेंगे टेन, टी ई एन, फिर ऐसे इसको मिला लीजिए टी ई एन। बात समझ आ गई, ऐसे आप भर रहे होंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे जो काउंटिंग करवा रहा है, काउंटिंग कर बताओ बताओ बच्चों कितनी उंगलियाँ ओपन है, कितने फिंगर्स ओपन है, तो आप कहेंगे सर वन फिंगर। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फिंगर्स ओपन है इसमें, इसमें कितने फिंगर्स ओपन है बच्चों, फाइव फिंगर यहाँ पर, फाइव फिंगर यहाँ पर, कुल कितने फिंगर्स होगा बच्चों, टेन फिंगर, फाइव प्लस फाइव कितने होंगे बच्चों, टेन फिंगर्स होंगे। बात समझ आ गई, तो ये चीज़ बच्चे आपने सीख लिया, ठीक है। अब बच्चों पेज नंबर 11 पे आएंगे आप, पेज नंबर 11 पे दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ आगे, काउंट द ड्रॉज, काउंट एंड ड्रॉ डॉट्स इन द टेबल बिलो, वन हैज डन फॉर यू। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जितने नंबर यहाँ पे लिखे हो ना, उतने आपको गोले बनाने, गोले मतलब डॉट यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको उतने डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन डॉट है, यहाँ पे लिखा टू तो यहाँ पे बच्चों आप बनाएंगे टू डॉट, ऐसे और एक ऐसे। बात समझ आ रही, देखो यहाँ पे मैंने टू डॉट बना दिए, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में कितने डॉट्स बनेंगे, थ्री डॉट्स बनेंगे, तो ऐसे बनाएंगे वन टू थ्री। बच्चों बात समझ में आई,
ऐसे ही फोर्थ में आ जाओ तो यहाँ पर कितने बनेंगे, फोर डॉट्स बनेंगे। काउंट करो, 1, 2, 3, 4। बच्चों आप भी मेरे साथ ही वर्क करेंगे, ठीक है, तभी हो पाएगा। फिफ्थ में आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5। आप भी ऐसे फिल करेंगे बच्चों। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लो जी बच्चों हो गया। नेक्स्ट पे आओ, 7 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लो जी बच्चों ये भी हो गया, 7 डॉट्स आपने काउंट कर लिए। 8 पे आओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये भी बच्चों हो गया। 9 पे आओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डॉट्स हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों 10 के बारे में, ठीक है, आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट्स बच्चों। बच्चों ऐसे ही आपको फिल करना है, ठीक है, आपको ऐसे फिल करके फोटो खींच के हमारे पास भेजेंगे, तब हम मानेंगे कि आपने होमवर्क किया है, ठीक है। तो चलो बच्चों ये भी आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्सरसाइज बी लिखा होगा, एक्सरसाइज बी लिख रहा होगा, अब आपको इसे भी करना है। तो बच्चों ये काम आप पहले करके हमारे पास भेजेंगे, तभी हम मानेंगे। बच्चों देखो, जब आप पढ़ रहे हो तो किसी को अपने साथ जरूर बैठाएं, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपनी बहन को, अपने भाई को, किसी को जरूर बैठाएं, ताकि आपकी हेल्प की जा सके। बात समझ आई? आप अभी छोटे हो तो कुछ ना कुछ आपको मदद की ज़रूरत पड़ रही होगी, ठीक है। तो बच्चों किसी के साथ बैठकर ही आप पढ़ाई करेंगे, ओके। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारे कॉलेज के नंबर पर फ़ोन करके वहाँ से बात करिए, हमसे पूछ लीजिए, जो भी आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछेंगे हमसे, तब हम आपका आंसर कर देंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो, और मोबाइल से दूर रहकर ही पढ़ाई करना, मोबाइल में घुस मत जाना, ठीक है, मोबाइल से दूर रह के पढ़ाई करना, नहीं तो आपकी आँखें भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर से पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलो बच्चों आ जाओ हमारे नेक्स्ट में, लिखा हुआ है एक्सरसाइज बी, क्या कर रहा है इसमें, काउंट द स्टार्स, स्टार्स कितने हैं उन्हें काउंट करना है, राइट द नंबर इन द सर्कल, कितने स्टार्स हैं उन्हें काउंट करना है और आपको सर्कल में लिखना भी है। चलो लिखते हैं। देखो बच्चों एक इन्होंने कर दिया है आपको समझाने के लिए, देखो यहाँ पे कितने स्टार है, 1 स्टार, तो आपने यहाँ पे 1 फिल कर दिया। अब यहाँ पर काउंट करो कितने स्टार्स हैं, 1, 2, 3, एक बार फिर से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, कितने स्टार्स हो बच्चों, 3 स्टार्स, तो यहाँ पे फिल कर लो 3, ऐसे आप इसमें फिल कर लेंगे 3। बात समझ आ गई, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें आ जाओ, लिखा हुआ है सी में कितने स्टार्स हैं, आ जाओ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, एक बार फिर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, ओके बच्चों आ जाओ। ये क्या बच्चों, डी, डी में काउंट करेंगे कितने स्टार्स हैं, यहाँ पे आपको कोई स्टार ही नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने बताया था कि जब कुछ भी नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे तेजी से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, 0 बोलेंगे, गुड गुड। तो यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे बच्चों आप, 0, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 0, मैंने आपको लास्ट क्लास में 0 के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप, ओके बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। चलो बच्चों आप काम तो कर रहे हो ना, आप काम नहीं कर रहे होगे तो मैं देखूंगा कॉपी आपकी, ठीक है, फिर शिकायत करूंगा आपकी, आ जाओ। लिखा हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देखो बच्चों, लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपको यही काउंट करना है, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपको ये काउंट करके यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे क्या, ये आपको एक बकेट दिख रहा होगा, बास्केट है, सॉरी ये बास्केट है आपको, बास्केट, बास्केट में क्या होता है, जिसमें फल वल रखे जाते हैं उन्हें हम बास्केट बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, मतलब कि पूछ रहा है कि इस बास्केट में आपको कितने एप्पल दिख रहे हैं, काउंट करके यहाँ पे लिख दो। तो बचाओ बच्चों कितने दिख रहे हैं, जरा देख के बताना कितने दिख रहे हैं, बताओ, कोई नहीं दिख रहा,
आपने कहा कि सर मुझे तो कोई एप्पल दिख ही नहीं रहा, तो ये पूछा क्यों? तो बच्चे आप लिखेंगे यहाँ पे जीरो एप्पल, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप फिल कर लेंगे जीरो, क्या फिल करेंगे बच्चों? जीरो। बात समझ में आ गई? अच्छा, लिखा हुआ नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री, नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री। बताओ बच्चों यहाँ पे आपको कितने बर्ड दिख रहे हैं, ज़रा देख कर बताना। मुझे तो नहीं दिख रहा कोई भी, नहीं है ना? तो मतलब कि नंबर ऑफ बर्ड्स कहाँ पे होंगे ट्री पे, कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर नथिंग, कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं कहते मतलब जीरो है, कुछ भी नहीं मतलब जीरो फिल कर लेंगे। बताओ बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों, आ जाओ इसमें। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे बना नहीं सकता, इसलिए मुझे बुक में समझाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। आ जाओ, लिखा काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द करेक्ट नंबर गिवन इन द सेंटर, ठीक है। लिखा हुआ है कि आप मतलब ऑब्जेक्ट्स को काउंट करिए, यहाँ पर कितने कैप्स हैं, कितने बनानाज हैं, उनको काउंट करना और नंबर से मैच करना है, जितने जितने होंगे उनको इन नंबर से मैच करना है। करते हैं इसे, बताओ ये क्या है बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है बताओ, आप बताओगे देख के? ये ऊपर वाला क्या है बच्चे? कैप है, कैप जो हम लोग सर में पहनते हैं, टोपी जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये कैप है। बच्चों बताओ कितने हैं, काउंट करो, वन टू, कितने हैं ये काउंट करो, वन टू। तो हमको टू को मैच करना है इस कैप से, इस कैप वाले लाइन को हमको मैच कर दिया टू से, नंबर टू से, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ये बनाना कितने हैं, काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। एक बार फिर से काउंट करेंगे, चलो आ जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। तो ये बच्चे बनाना कितने हैं, टेन है। तो बताओ चलो इसमें टेन नंबर कौन सा है, टेन नंबर कौन सा है? तो आपको दिखा ये नंबर हमारा टेन है, तो आप इसको मैच कर देंगे बच्चों किससे, टेन से, ऐसे टेन से इसे मैच कर दो, ओके बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट है ये कार, बताओ कितनी कार्स हैं यहाँ पर, काउंट करो, वन, कितनी कार है यहाँ पर, वन कार है। तो आप बच्चों यहाँ पर वन को मैच कर देंगे किससे, कार से। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपको अपनी भी बुक पर करना होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है वन, ये क्या बच्चों पहले ये बताओ ये क्या है, ये बैट है जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आपको भी पसंद होगा क्रिकेट खेलना। आ जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर से काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब बच्चों इसको आपको एट से मिलाना है, बताओ एट कहाँ पर है, यहाँ पे एट से मैच कर दो। तो बच्चों आपको दिखा एट यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ से मैच कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, बताओ क्या है, ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है। काउंट करो कितने फ्लावर्स हैं, वन टू थ्री, कितने फ्लावर, वन टू थ्री। तो बच्चों आप इसे मैच कर देंगे इससे, थ्री से, बात समझ आ गई, ये आपने मैच कर दिया थ्री को। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, ये क्या बच्चों, बलून है, बलून मतलब गुब्बारे। अब आपका हैप्पी बर्थडे होता है तो आप लोग घर में क्या सजाते हो, बलून सजाते हो, ठीक है, वही ये बलून है, ठीक है। काउंट करो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर से काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बलून से बच्चे। तो यहाँ पे इन्हें आप मैच कर देंगे सिक्स से, बात समझ में आ गए बच्चों। ऐसे ही आप करके हमारे पास फोटो भेजेंगे, बात समझ में आ गए बच्चों। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये सॉल्व हो चुका है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, कुछ दिख रहा होगा ये पेज नंबर 13 पर, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है, आ जाओ। लिखा हुआ है काउंट द कपकेक्स, कपकेक्स को काउंट करो, मतलब कितने कितने केक्स हैं यहाँ पे उन्हें काउंट करना है, एंड सर्किल द करेक्ट नंबर इन द नंबर्स गिवन फॉर देम। कह रहा है कि इन कप्स को काउंट करना है और कितने यहाँ पर आपके हैं उस नंबर को आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। चलो बच्चों कर लेते हैं इस काम को भी, आ जाओ काउंट करो, स्टार्ट करो आप भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, एक बार फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने कपकेक्स हैं, सिक्स कपकेक्स हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप सिक्स को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे, इसके नीचे नंबर जो है सिक्स को सर्कल कर देंगे, बात समझ में आ गई। इसमें आ जाओ बच्चों बी में, बी में देखो कितने सर्कल, कितने कपकेक्स हैं, वन टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन, एक बार फिर से काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो आपको बच्चों यहाँ पे सर्किल करना किसको, सेवन को। बात समझ में आई बच्चों? आ जाओ नेक्स्ट पे देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कितने कपकेक्स दिख रहे हैं आपको, काउंट करते हैं, वन टू, एक बार फिर से वन टू। तो किसको सर्किल करेंगे बच्चों, नाइन को नहीं, टू को, टू को सर्किल कर दो, क्योंकि यहाँ पर कितने कप्स केक हैं, टू हैं। आ जाओ इसमें जो लिखा हुआ है डी क्वेश्चन में, काउंट करते हैं इसमें भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एक बार फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। कितने कप केक्स हैं बच्चों, नाइन। तो आप यहाँ पर नाइन को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये बच्चों आपका इस तरीके से होमवर्क ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपकी इतनी ही क्लास रहेगी, आप भी छोटे बच्चे हो तो ज़्यादा नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। तो बच्चों जितना आपको पढ़ाया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये बात आप हमें फ़ोन करके बताएंगे कि सर आपने मुझे पढ़ाया और मुझे समझ में आ गया, ठीक है, या फिर मुझे समझ में नहीं आया, दोनों बात हो सकती है। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहो, अपने घर पर रहो, और मैंने आपको कल एक और बात बताई थी कि बाहर का कोई भी सामान आप नहीं खाएंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अपने घर में रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।